नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेंगे न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश मेशी। दोस्तों, पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला था कि दिवाली तक लोगों की थाली में से धनिया गायब हो जाएगा। तो इस संशय को दूर करने के लिए आज हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। तो मुकेश जी, ये क्या सच है या अफवाह है, क्या है स्थिति? नहीं नहीं, कई तरह के लोग हैं साहब, ये कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जब भाव बढ़ते हैं तो खपत नो डाउट घट जाती है। आपने आइडिया लगा लिया कि साहब 80-85 लाख बोरी फसल आ रही है, खपत 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 35 लाख बोरी की है, तो 50 लाख बोरी कम होगा, 50 लाख बोरी का नुकसान होगा। तो 50 लाख बोरी की जब आप 1 करोड़ 35 लाख बोरी या 30 लाख बोरी की खपत गिनते हो, तो जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे खपत भी कम होती है। इसलिए यह तो एक निरी अफवाह है कि ऐसा कुछ होगा। अभी तक कितना परसेंट माल मंडियों में किसानों का निकल गया होगा और कितना और आना बाकी है? ऑलमोस्ट लगभग 60-70% तक माल मंडियों में आ चुका है, और उसका कारण है कि शायद किसानों को जीवन में पहली बार किसी कमोडिटी में इतने अच्छे भाव मिले। तो लगभग धनिया ही नहीं, और जिन्सों में भी यह हालात देखने को मिले। पिछले साल से तो डबल भाव दिखाई दे रहे हैं इस बार धनिया में। बिल्कुल डबल भाव दिखाई दे रहे हैं, ट्रिपल भी होंगे। हाँ, तो मोदी जी की जो घोषणा थी कि किसानों को कृषि जिन्सों के दाम डबल करके देंगे 2022 में, तो कुछ कुछ बात सही भी नज़र आ रही है। और अब ये माने कि अभी किस स्तर पे पहुंच गए हैं धनिया के भाव? तो माने धनिया के भाव 10,500 लूज बादामी मशीन क्लीन अपने अनक्लीन और 11,500 ईगल अनक्लीन या 12,000 ईगल अनक्लीन मंडी के अंदर बिक रहा है, तथा बिल्टियों के भाव लगभग 12,500 बादामी तथा 13,000 रुपये ईगल, लगभग ये भाव चल रहे हैं। बाकी रही बात मोदी जी की आय दुगनी करने के वादे की, तो इस वादे को मोदी जी सरसों और सोयाबीन में या चने में क्यों नहीं दोहराते हैं? बिल्कुल, चना हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, उसको NCDX से बाहर कर दिया, जबकि NCDX एक बेंचमार्क प्राइस होता है, उसके ऊपर जो तेजी मंदी होती है उसी के हिसाब से मंडियां चलती है। तो हमारी तो मांग यही रहेगी कि सरसों सोयाबीन व चने को वापस NCDX में लाया जाए। तो अब जैसे अपन ने 15,000 का टारगेट किसानों को या व्यापारियों को दे रखा है, तो अपन उस टारगेट से कितनी दूर हैं और कितना और समय लग सकते हैं? कुछ टारगेट से तो अभी हम लगभग ये मान कर के चलो 25-30 रुपये दूर हैं, क्योंकि बीच में जो 20 अप्रैल की कटान आई, तो उस कटान के समय कटान नीचे भाव करके और NCDX ने की। लेकिन इन सब चीज़ों से डरने या घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं पूर्व में कहता आया हूँ कि 8-15 दिन का हेर फेर हो जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन जो भाव या जो 14,000-15,000 का एक लेवल बताया था वो 30 अप्रैल तक नहीं आए, 15 मई तक आए, लेकिन आएगा निश्चित। तो किसानों को, ट्रेडर्स को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि वो 15,000 का जो टारगेट दिया है वो ज़रूर अचीव होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।